हेलो गाइस, दिस इज मयूर सागर एंड वेलकम टू एक्सेलेंसी आईएएस। हमें खेद है कि हम लोग कुछ दिन तक डिसकंटिन्यू रहे, एब्सेंट रहे ड्यू टू सर्टेन हेल्थ कंसर्न्स एंड ड्यू टू सर्टेन टेक्निकल इश्यूज। होप यू गाइस शुड अंडरस्टैंड। बट फ्रेंड्स, वी आर अगेन हियर दैट विद अ न्यू एनर्जी एंड दैट विद अ न्यू प्रोग्राम। फ्रेंड्स, इंडिया ईयरबुक दैट इट इज वन ऑफ द इंडिस्पेंसिबल कॉम्पोनेंट टू प्रिपेयर फॉर एनी ऑफ द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। इंडिया ईयरबुक एक तरह से साल भर के डेवलपमेंट्स का कंपेंडियम है, साल भर के डेवलपमेंट्स का रिविजिटिंग है। सो इंडिया ईयरबुक हैव टू बी डन विथ एंड हैव टू बी थॉरो विथ, बिकॉज डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी भी एग्जाम में इंडिया ईयरबुक से 10-15% वेटेज होता है। सो वन शुड बी प्रिपेयर अबाउट द इंडिया ईयरबुक। वी हैड स्टार्टिंग हियर ए प्रोग्राम दैट इज इंडिया ईयरबुक के जिस्ट, जिसमें हम लोग इंपॉर्टेंट एंड रेलेवेंट फैक्ट्स को पढ़ेंगे इन द कमिंग क्लासेस। So that here today we are starting with this first chapter that is called National Symbols. Friends, इस India Yearbook में जो chapters organized हैं, we will take up the classes as per our own programs and as per our that own patterns. But one thing I would like to make sure all of you guys that this book that is a government document. So always keep in the back of the mind that this is relevant and facts यहाँ से उठाए जाते हैं। So you should be very sound, you should be very trustworthy with the facts given in the India Yearbook. But the question is that ye bulky documents hai, so it is not easy to go on with the ease and efficiency. So we are putting up effort to make it simpler to you and put forward that the things what is required and what is relevant for you. So without getting the delay too much, so let's begin our today's class with the very first chapter, that is the National Symbols. So, इस चैप्टर की शुरुआत हम लोग नेशनल फ्लैग से करते हैं। नेशनल फ्लैग क्या है? दैट इज योर ट्राइकलर, तिरंगा। सो विथ रेस्पेक्ट टू द ट्राइकलर, द फर्स्ट पॉइंट व्हाट यू कीप इन माइंड दैट रेशियो ऑफ विड्थ ऑफ द फ्लैग टू इट्स लेंथ इज 2:3। द विड्थ इज 2 एंड द लेंथ इज 3। दिस इज ए स्टैंडर्ड डायमेंशंस। दिस ट्राइकलर है 3 बैंड, 3 स्ट्रिप्स होते हैं और इसके मिडिल पे देर इज ए व्हाइट बैंड। व्हाइट बैंड के सेंटर पे क्या होता है? देर इज ए नेवी ब्लू व्हील एंड विच रिप्रेजेंट्स ए चक्र। दिस चक्र बेसिकली अपियर्स लाइक दैट इट वॉज ऑन दैट अबाकस ऑफ द सारनाथ लाइन कैपिटल ऑफ अशोका। सारनाथ में जो लाइन कैपिटल ऑफ अशोका है उसके अबाकस में जैसा चित्रण था उसी तरह का रिप्रेजेंटेशन ये नेवी ब्लू व्हील है। इस नेवी ब्लू में कितने स्पोक्स होते हैं? दैट इज 24। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यू मस्ट कीप इन माइंड। द बेसिक डिजाइन ऑफ दिस द नेशनल फ्लैग इट वॉज अडॉप्टेड बाई द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन 22 जुलाई 1947। ये इंपॉर्टेंट डेट। दिस ट्राइकलर वॉज फर्स्ट एक्सेप्टेड बाई द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन द 1931 हैविंग द चरखा इन प्लेस ऑफ द चक्र टूडे। ठीक है, सो पहले 1931 में क्या था? चरखा था। अभी क्या है? चक्र है। कितने स्पोक्स है? 24 स्पोक्स। साथ ही साथ एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, दैट इज कॉल्ड फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002। सो फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 बेसिकली प्रोवाइड्स दैट देर इज नो रेस्ट्रिक्शन और देर शैल बी नो रेस्ट्रिक्शन ऑन द डिस्प्ले ऑफ द नेशनल फ्लैग बाय द मेंबर्स ऑफ द जनरल पब्लिक, द प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एक्सेप्ट। मतलब दैट देर इज नो रेस्ट्रिक्शन ऑन द नेशनल फ्लैग, डिस्प्ले ऑफ द नेशनल फ्लैग, प्रोवाइडेड कि हम लोग उसको इंसल्ट नहीं करें, प्रोवाइडेड कि हम लोग एम्ब्लेम्स एंड द नेम्स प्रिवेंशन ऑफ द इम्प्रोपर यूज एक्ट 1950 को वायलेट नहीं हो, साथ ही साथ द प्रिवेंशन ऑफ द इंसल्ट टू द नेशनल ऑनर्स एक्ट 1971 भी वायलेट नहीं हो, और कोई इंपॉर्टेंट लॉ और या लेजिस्लेशन विथ एक्सटेंडेड टू दिस सब्जेक्ट। सो यू मस्ट कीप इन माइंड ये दोनों फैक्ट, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। साइमल्टेनियसली देर इज ए जुडिशियल ऑर्डर बाय द सुप्रीम कोर्ट दैट इट वॉज दैट इन दिस प्रोनाउंसमेंट इट इज सेड दैट the national flag, the right to hoist up national flag, it is a fundamental right under article 19 of the constitution of india, and this comes in 23rd january 2004, that the national flag ka jo hoisting hai ye ek fundamental rights hai, okay, under article 19 yaad hai, it provided for 6 fundamental rights: right to freedom of speech and expression, assembly, association, movement, residence and professions. Getting my point? सो नेशनल फ्लैग के बारे में इतने फैक्ट्स आप याद रखोगे, दैट ऑन 22 जुलाई 1947 को इट वाज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, स्टैंडर्ड डायमेंशंस 2:3 वेस्ट टू लेंथ रेशियो, थर्ड दैट इज दैट फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 इट प्रोवाइडेड फॉर देयर शैल बी नो रिस्ट्रिक्शन, प्रोवाइडेड दो एक्ट्स हैं जिसको वायलेट नहीं करेगा, एम्ब्लेम्स एंड द नेम्स
that Act of 1950, and second is the prevention of insult to the National Honor Act 1971. Okay, so now let's move to the next topic. Now friends, let's take the second topic, that is called state emblem. Okay, state emblem, it is depicted here. State emblem ke bare mein, what are the facts you should keep in mind? That first, that state emblem is an adaptation from the Sarnath land capital of Asoka. Okay, Bharat का जो राष्ट्रीय चिन्ह है वो कहां से लिया गया है, दैट इज कॉल्ड सारनाथ, लायन कैपिटल ऑफ अशोका. एंड देर आर द फोर लाइंस स्टैंडिंग बैक टू बैक, इसमें चार लाइंस थे जो चार डिफरेंट कार्डिनल डायरेक्शंस को दिखाते थे एंड रिप्रेजेंट करते थे, एंड एक्चुअली स्प्रेडिंग द मैसेज ऑफ धम्मा टू द फोर कार्डिनल डायरेक्शंस. ओके, नाउ ऑल दीज लाइंस which are standing back to back, these are mounted on that abacus with the sculptures. और उस abacus में कौन-कौन से symbols, कौन-कौन से sculptures थे? Elephant, horse, bull and lion. ये this is very important. You should keep in mind that from the Sarnath lion capital of Asoka, that is state emblem was adapted, जिसमें कि four standing lions थे on the abacus. On उसके अबाकस पे द चार स्कल्पचर्स थे, दैट इज एलिफेंट, गैलोपिंग हॉर्स, बुल एंड द लायन, एंड ऑल आर सेपरेटेड बाय द व्हील्स दैट ओवर द बेल शेप्ड लोटस. इसके नीचे एक बेल शेप्ड लोटस था. ओके, ऑल दिस इज कार्व्ड ऑन ए सिंगल ब्लॉक ऑफ द पॉलिश सैंडस्टोन, एंड द कैपिटल इज क्राउन्ड बाय ए व्हील ऑफ लॉ, दैट इज कॉल्ड धर्म चक्र. ठीक है, इट वॉज अडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन 26 जनवरी 1950. That जब 26 जनवरी 1950 को adopt किया गया, that only the three lions are visible, the fourth is hidden, and abacus with a bull on the right and horse on the left, it was adopted by the government of India. This is an important point. Okay, now इसके नीचे भी देख रहे हो कि देर जो सत्यमेव जयते, the सत्यमेव जयते, the word सत्यमेव जयते, it was written in Devanagari script. And this Satyameva Jayate, this quote was taken from the Mundaka Upanishad. Already we have told in the art and culture classes. Okay, so Satyameva Jayate was taken from Mundaka Upanishad. Friends, ye UPSC mein pucha gaya hai. It was in the previous year, this was been directly asked that from where the Satyameva Jayate was taken. So it was taken from Mundaka Upanishad and it was directly from India Yearbook questions. So for the facts which are given in the India Yearbook, you should be to be very careful. Satyameva Jayate means that truth alone triumphs. These are inscribed below the abacus in the Devanagari script. And the Indian national emblem represents the authority of the government. The use of the state emblem of India as official seal of the government, regulated by the state of India provisions of improper use of Act 2005. This is an important, isko aap yaad rakhna. Okay, that which law or which legislation regulate the use of the state emblem of India as an official seal. It is the state of India prohibitions of the improper use Act 19-2005. Getting my point? Now friends, let's move to the next topic, that is your national anthem. ठीक है, राष्ट्रीय गान. सबको पता है जन गण मन, it is the national anthem of India. So जन गण मन, it was composed originally in Bengali by Rabindranath Tagore, and it was adopted in its Hindi version by the Constituent Assembly as the national anthem of India on 24th January 1950. 26 January 1950 को हमारा देश गणतंत्र हुआ, तो 24 जनवरी 1950 को Constituent Assembly has adopted the Hindi version. ये याद रखिएगा, that original version क्या था? Bengali. So Jan Gan Man, it was adopted as national anthem on 24th January 1950. Okay. फर्स्ट टाइम कब जन गण मन गाया गया था? सो जन गण मन वाज अ फर्स्ट टाइम सांग ऑन 27th December 1911 एट कोलकाता सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस. इंडियन नेशनल कांग्रेस का एनुअल सेशन होता था. सो 1911 सेशन में फर्स्ट टाइम इस सॉन्ग को गाया गया था. गेटिंग माई पॉइंट? नाउ दिस सॉन्ग वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1912, उसके बाद ये पब्लिश हुआ 1912 में, दैट अंडर द टाइटल ऑफ भारत विधाता इन तत्वबोधिनी पत्रिका. ठीक है, एंड दिस सॉन्ग वाज ट्रांसलेटेड इन इंग्लिश in 1919 with the morning song of India. Important dates hai. So 1911, that is first time in the Indian National Congress it was sung. 1912, it was the first time published as a Bharat Vidhata in Tattvabodhini Patrika. In 1919, okay, it was first translated in English as morning song of India. So, and what is the time taken? Kitne time lagta hai isko gaane mein? Approximately 52 seconds, that is the full version, or short version in the 20 seconds में गाया जाता है. So with respect to the Jan Gan Man, that is national anthem of India, these are the four important facts you keep in mind. पहला, that
Original version Bengali. Now Hindi version was adopted by Constituent Assembly on 24th January 1950. These chronological dates, these are important. And what is the approximate time taken to sung the full version? 52 seconds and short version in the 20 seconds. Okay. उसी तरह का national song है, that is राष्ट्रीय गीत. So Vande Mataram, okay, it is the national song of India. So Vande Mataram, the originally it was composed in Sanskrit by Bankim Chandra Chatterjee. ठीक है, and it was the source of inspirations to the people in the freedom struggle. Vande Mataram स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में source of inspiration थे लोगों के. It has an equal status with the Jan Gan Man, जो कि national anthem है. Okay, Vande Mataram, it was the sung for the first time in 1896, that is session of the Indian National Congress, and it was taken from the novel, that is Anand Math. And who had written this Anand Math? By the Bankim Chandra Chatterjee. It is an important fact. And it was published in 1882. This Vande Mataram song, it was translated in English by Sri Aurobindo Ghosh. Okay, this is a fact you keep in mind. So with respect to national song, Vande Mataram, it is a national song. It was originally written in Sanskrit. It was translated in English by Sri Aurobindo Ghosh. You keep it in mind. First time kavi isko gaya gaya tha 1896 mein, and it was taken from the novel, that is Anand Math. Okay. Now friend, the very important topic, that is the national calendar. So national calendar, that jo Bharat ka rashtriya calendar hai, that national calendar, it was based on the Sak era. Okay. That दो इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा, सक एरा प्लस ग्रेगोरियन कैलेंडर, ये दो चीज याद रखिएगा. दैट इंडियन कैलेंडर इज बेस्ड ऑन द सक एरा, वेयर दैट चैत्र मंथ इज द फर्स्ट मंथ. इसमें पहला माह कौन सा होता है? चैत्र माह होता है. नॉर्मल ईयर 365 डेज के होते हैं, एंड ये कैलेंडर 22nd मार्च 1957 को अडॉप्ट किया गया था अलॉन्ग विद द ग्रेगोरियन कैलेंडर. ठीक है, एंड द नेशनल कैलेंडर इज यूज फॉर द गैजेट ऑफ इंडिया, न्यूज ब्रॉडकास्टिंग थ्रू ऑल इंडिया रेडियो, द कैलेंडर्स इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और कोई भी गवर्नमेंट का कम्युनिकेशन विद द नॉर्मल पीपल और पब्लिक के साथ करना हो, सो दिस इज द बेस, दैट इज नेशनल कैलेंडर. सो नेशनल कैलेंडर इज बेस्ड ऑन सकेरा, दैट ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ अडॉप्ट किया गया है. कब अडॉप्ट किया गया? 22nd मार्च 1957 को, एंड विच इज द फर्स्ट मंथ, दैट इज द चैत्र मंथ. इसीलिए द फर्स्ट चैत्र जो होगा, आइदर इट इज द 22nd मार्च, क्योंकि 22 मार्च 1957 को अडॉप्ट किया गया था, यदि लीप ईयर हो तो वो 21st मार्च, मतलब 21 मार्च पड़ता है. सो अकॉर्डिंगली यहाँ पर जो 12 मंथ्स हैं वो कौन से हैं? दैट इज चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्र, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन. दीज आर द 12 मंथ्स, ओके, अकॉर्डिंग टू द नेशनल कैलेंडर ऑफ इंडिया. सो यू कीप इन माइंड दीज इंपॉर्टेंट फैक्ट्स. राइट, लेट्स मूव. अब बताइए कि भारत की राष्ट्रीय नदी कौन है? दैट नेशनल रिवर, ऑल ऑफ यू नो, दैट इज गंगा रिवर. बट ये भारत की राष्ट्रीय नदी गंगा रिवर को कब डिक्लेयर किया गया? दैट इट इज द 4th नवंबर 2008 बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, दैट रिवर गंगा, इट इज डिक्लेयर्ड एज द नेशनल रिवर ऑफ इंडिया. ओके, दैट गंगा रिवर और गंगा इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया, जिसकी लेंथ अप्रोक्सीमेटली कितनी है? मोर देन 2510, मतलब 2510 किलोमीटर है. And it passes through, flowing through the mountains, valleys and the plains. Ganga Nadi kahan se originate hoti hai? From the snow-filled glaciers of the Gangotri. Apne geography lectures mein kaafi acche se padha hoga. So, we are actually covering only the facts given in the India yearbook. Okay? So, we are not entering into too much of the details. Because, but you should dig out all the facts from the India yearbook. And substantiate your, the basic notes. Okay? So, now let's come back. So, the Ganga River originates from the Gangotri glaciers. That is the Bhagirathi River, और इसके बाद उसमें बहुत सारे tributaries मिल जाते हैं. एक tricks मैंने बताया था previous classes में, that गंगा river के जो tributaries हैं उनको याद रखने का क्या tricks था? That is left में जो भी rivers हैं उनका क्या trick है? कि left में राम की तीन गली and right के जो tributaries हैं उनको कैसे याद रखोगे आप? Yes, कल से पापा film देखेंगे. Okay, this is the two important trick. So for the गंगा river system, ये लेफ्ट बैंक की सारे ट्रिब्यूटरीज को याद रखने का ट्रिक है. लेफ्ट में राम की तीन गली, ओके, सो मे फॉर दैट इज कॉल्ड महानंदा रिवर, रामगंगा रिवर, कोसी रिवर, ओके, 3G, सो जी गोमती, घाघरा एंड गंडक रिवर. ओके, सिमिलरली द राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज को याद रखना हो, देन यस, कल से पापा फिल्म देखेंगे. सो यस, दैट इज फॉर यमुना रिवर. ओके, के फॉर दिस करमनासा रिवर, एस से सरयू रिवर एंड दैट सोन रिवर,
पी, यहाँ से पी लेना है फॉर पुनपुन रिवर, एफ से फाल्गु रिवर एंड डी से दामोदर रिवर. ओके, इन विद डिस्ट्रिक्ट यू कैन रिमेम्बर ऑल द ट्रिब्यूटरीज ऑफ द गंगा रिवर सिस्टम. सो फॉर द गंगा रिवर, हियर इट ओरिजिनेटेड फ्रॉम द गंगोत्री ग्लेशियर, सच भागीरथी, उसके बाद इसमें अलकनंदा, यमुना, सोन, कोसी, ये सारे आके मिलते हैं, ट्रिब्यूटरी बनता है. एंड दिस रिवर सिस्टम एंड इट्स बेसिन इज वन ऑफ द मोस्ट फर्टाइल एंड दैट काफी डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है. इम्पॉर्टेंट फैक्ट क्या है कि गंगा रिवर सिस्टम पे, गंगा रिवर पे दो डैम्स बनाए गए हैं. देर आर द टू डैम्स ऑन दिस रिवर, एक हरिद्वार पे एंड सेकेंड एट द फरक्का. ठीक है, और गंगा रिवर स्पेशली डॉल्फिन्स के लिए जाना जाता है बिकॉज इट इज द स्पेशल हैबिटेट हियर. दैट गंगा रिवर सिस्टम इज रेफर्ड और रिवर्ड काफी, दैट इज कॉल्ड, बहुत श्रद्धेय रिवर है. इट इज रेफर्ड बाय द हिंदूज एट द मोस्ट सेक्रेट रिवर ऑन दिस अर्थ. And this river finally that ended its journey in the Bay of Bengal. So with respect to Ganga river system, that in your, apart from your geography, India your book se kya important fact yaad rakhna hai, that when it was declared as that national river, that is 4th November 2008, and the Ganga river system ka length, that 2510, that tributaries, there are the two important dams, that is Haridwar and Farakka, this is most important. And here, the dolphin is the special habitat in the Ganga river system, because the dolphin also determines the health of the Ganga river system. We'll see that subsequent part. All of you, right? Let's move to the next topic. The next topic is the Royal Bengal Tiger. So the national animal, it is the tiger, okay? But ye national animal kab declare kiya gaya hai? 1972. के पहले हमारा इंडिया का नेशनल एनिमल क्या था, राष्ट्रीय पशु क्या था, लायन. ओके, सो पेंथेरा टिग्रिस, साइंटिफिक नेम इज द पेंथेरा टिग्रिस. सो इट इज ए स्ट्रिप्ड एनिमल एंड इट इज द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया. सो आउट ऑफ द 8 रेसेस ऑफ दिस स्पीसीज, इंडियन रेस को क्या बोलते हैं, रॉयल बंगाल टाइगर. इंडियन रेस को क्या बोला जाता है, रॉयल बंगाल टाइगर, याद रखिएगा. एंड दिस रॉयल बंगाल टाइगर इट इज फाउंड थ्रू आउट द कंट्री एक्सेप्ट द नॉर्थ वेस्टर्न रीजन. This Project Tiger कब लॉन्च किया गया था, इट इन 1973. एंड 1972 के पहले इंडिया का जो नेशनल एनिमल क्या था, दैट इज लायन, और उसके बाद से क्या हो गया, टाइगर. आई होप द तीन फैक्ट्स हैं, इनको आप याद रखना. दैट नेशनल एनिमल इज द टाइगर, दैट 1972 के बाद ये बना है, 1972 के पहले क्या था, लायन इज द नेशनल एनिमल. एंड इंडियन रेस इज कॉल्ड द रॉयल बंगाल टाइगर, साइंटिफिक नेम इज द पेंथेरा टिग्रिस. यू कैन सी द पिक्चर्स. सो फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट द टॉपिक, दैट इज द नेशनल एक्वेटिक एनिमल. सो नेशनल एक्वेटिक एनिमल यूपीएससी हैज आस्क्ड प्रीवियसली फ्रॉम दिस टॉपिक डायरेक्टली, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है. एंड जो फैक्ट इंडिया यूरोप में दिए गए थे उसी से डायरेक्टली ऑप्शन थे. So you cannot ignore, you do not ignore. इसको अच्छे से पढ़ना है एंड इसको याद रखना है. So let's take this national aquatic animal. National aquatic animal क्या है? That is the dolphin. Ganga river dolphin is the national aquatic animal of India. So on 5th October 2009, for this Ganga river dolphin, जिसका scientific name क्या है, Platanista gangetica, that it is declared as a national aquatic animal of India. It represents the health of this river system, particularly the Ganga river system. Okay? The dolphin that are the solitary creatures and the females tends to be larger than the males. It is an important fact. So dolphins are very famously and locally known by a name that is called susu. Why it is called, they are called susu? Because they produce a noise sound during their breathing. And the gangetic dolphins, they are found in the Ganga, Meghna, Brahmaputra river, along with the Karnaphuli river of the Bangladesh, in the Nepal and Bhutan, yahan par gangetic dolphin paaye jaate hain. This is that widely protected under Wildlife Protection Act 1972. Okay? And there is a news that the Ganga river dolphin is a declining trend. Iske kuch important regions the. Kya regions likhe gaye hain? According to India Air Book, that is poaching, habitat degradations due to declining flow, that heavy siltations, constructions of the barrages causing the physical barrier in this migratory species. And these are the options given when that it is asked in the UPSC. So directly of facts ko yaad rakhenge. With respect to national aquatic animals, Ganga river dolphin, 2009 it is declared. It is locally known by the name by the Susu, and it is protected under the Wildlife Protection Act 1972. And what are the factors responsible for its loss? These are the important factors you must keep in mind. Okay, so let's move to the next topic. The next topic is the National Heritage Animal. National Heritage Animal kya hai? It is the elephant. And when it was declared as a National Heritage Animal?
दैट इज दैट 23rd अक्टूबर 2010। सो फ्रेंड्स, ये 2008, 2009, 2010 में ही सारी चीजें हो रही है। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर्ड दैट ऑन 2010 दैट एलिफेंट क्या होगा, नेशनल हेरिटेज एनिमल। और इसके और प्रोटेक्शंस के लिए दैट मिनिस्ट्री हैज प्रपोज्ड टू अमेंड द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 और एक बॉडी बनाना है, दैट इज स्टैट्यूटरी बॉडी, दैट इज नेका, दैट इज नेशनल एलिफेंट कंजर्वेशन अथॉरिटी, सिमिलर टू दैट ऑफ NTCA, जो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है, उसी के तरह एक स्टैट्यूटरी बॉडी नेशनल एलिफेंट कंजर्वेशन अथॉरिटी बनाने की भी बात चल रही है, दैट टू इंश्योर ए बेटर कंजर्वेशन ऑफ दिस हेरिटेज एनिमल दैट इज एलिफेंट। सो आफ्टर दैट लेट्स टेक दैट इज योर नेशनल बर्ड, दैट इज योर पीकॉक। सो नेशनल बर्ड इज योर पीकॉक, साइंटिफिक नेम इज पावो क्रिस्टाटस। Okay, this male of the species is more colorful than the female. With respect to the peacock, this is an important fact. क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं. Okay, last year you see in the prelims paper with respect to the elephant जो क्वेश्चन पूछा गया था. Similarly, that this is a fact that male of the peacock in this species it is more colorful than that the female peacock. Now, national bird that is peacock is also fully protected under the Wildlife Protection Act 1972. It is fully protected and widely found in the subcontinent. Okay, this is your that quote dance of the national peacock. So peacock ke respect mein do important fact yaad rakhenge, male is more colorful and it is protected under the Wildlife Protection Act 1972. Now let's take the national flower. राष्ट्रीय पुष्प क्या है? नेशनल फ्लावर इज योर द लोटस। लोटस इज अ सेक्रेट फ्लावर एंड इट इज द साइंटिफिक नेम, इट इज रिटन हियर, नेलुम्बू निसिफेरा गर्टन। ये इंपॉर्टेंट है, यू मस्ट कीप इन माइंड। सो नेशनल फ्लावर दैट इज लोटस इज अ सेक्रेट फ्लावर एंड देयर इज अ फैक्ट अकॉर्डिंग टू द प्लांट डाइवर्सिटी इन इंडिया, द टोटल प्लांट जो इंडिया में पाया जाता है, सो इट्स रैंक द 10th पोजिशन इन द वर्ल्ड और इन एशिया में इट रैंक्स द 4th विद रेस्पेक्ट टू द प्लांट डाइवर्सिटी। Okay, you must keep in mind. With respect to plant diversity, that India, what is India's position? 10th in the world and 4th in the Asia. Okay? Now, come to the national fruit. That is your mango. And scientific name is the Mangifera indica. It is the national fruit of India. That mango is a rich source of the vitamin A, vitamin C and vitamin D. Okay, this is an important fact. Do not confuse. B is not here. So, vitamin A, vitamin C and vitamin D. And in case of India, that here more than 100 varieties of mango yahan par paaye jaate hain. Ek mango festival hota hai. Okay, that mango festival. Ye kahan organize hota hai? Mango festival, it is organized in Delhi. Okay, so mango festival is organized in Delhi. Mango is the rich source of vitamin A, C and vitamin D. Scientific name is Mangifera indica. With respect to the flower, ye do facts hain, aap yaad rakhna. Now, let's take the national tree. The national tree is the banyan tree. And this banyan tree, this is your the scientific name. You must keep in mind. The banyan tree is a very pious tree. Aur bahut iski utility bahut zyada hai. Okay, it is very also auspicious tree. So, with respect to these are the some facts you keep in the mind. So, I hope all of you are getting. Let's take the next topic. So friends, that Tokyo Olympics is going on. So the topic is about the national game. Officially, what is the national game of India? It is the hockey. Okay, that is the field hockey. So field hockey is the officially declared or official national game of India. So it is the official national sport of India. And Hockey India, it is the institutions. Okay, Hockey India, it is that apex body and which is formed in 2009. This body is responsible for the governance of the both men's and the women's hockey. मतलब जितने भी चीजें करनी है उसके लिए कौन सा body responsible है? Hockey India. और Hockey India कब बनाया गया है? 2009 में. Okay, this is a fact. In case of the hockey, if you look at the past, हमारा जो past है, that we have a very bright past because we have won the 8 gold Olympic medals in the game of the hockey. And out the golden period is 1928 से लेके 1956, that is 1928 से लेके 1956 तक, this was called the golden period of the Indian hockey because we subsequently 6 gold हमने जीता था, ठीक है? So with respect to the national game, it is the field hockey. Team hockey was constituted. It was set up on 28th May 2009. And what was the golden period? That is 1928 to 1956. Okay. So now let's take the next topic, दोस्तों. This is your the currency symbol of India, that is raw. Okay, rupees. Now, अब हम लोग rupees ऐसे नहीं लिखते हैं. So, it is the currency symbol of India. So,
दिस करेंसी सिंबॉल इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इट एक्चुअली अमलगमेशन ऑफ द फोर इंपॉर्टेंट थिंग वॉट आर दैट दिस सिंबॉल इज एन अमलगमेशन ऑफ देवनागरी रा दिस इज द फर्स्ट द रोमन कैपिटल आर दिस इज सेकेंड देर इज टू हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स ये जो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स दिस एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग द नेशनल फ्लैग दैट इज योर थ्री एंड दिस ऑल्सो रिप्रेजेंट्स दैट इक्वल टू साइन दैट इज द फोर्थ कॉम्पोनेंट सो दिस इज योर द करेंसी सिंबॉल रा दैट इज representing the fourth thing that is called Devanagari Ra, the Roman, the capital R, this equal to sign and also it represents the national flag. ठीक है ये चार चीज रखता है ये सिंबॉल एंड दिस इंडियन रूपी इट वॉज अडॉप्टेड बाई द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन 15 July 2010 ये आप याद रखिएगा एंड हु हैड डिजाइन दैट इज उदय कुमार एपीजी ग्रेजुएट ऑफ आईआईटी बॉम्बे ये उतना इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं है बट विथ रेस्पेक्ट टू करेंसी सिंबॉल दिस सिंबॉल ऑफ द रूपी टाइपिफाई द इंडिया इंटरनेशनल आइडेंटिटी फॉर मनी ट्रांजेक्शन इकोनॉमिक स्ट्रेंथ एंड इंडियन रूपी इज एन एलिगोरी ऑफ इंडियन इथोस ओके दीज आर द फैक्ट बट वट आर द इम्पॉर्टेंट फैक्ट इट इनकॉर्पोरेट द फोर इंपॉर्टेंट फैक्ट दैट इज देवनागरी रा That is called Roman R, equal to signs, and that is the national flag. And it was adopted by Government of India on 15 July 2010. So friends, these are the some important facts with respect to this chapter that is called national symbol. Here, one point you should note here that when we say the national emblem, okay, the national emblem of India, jab pucha jayega, so what is the national emblem of India? It is the Sarnath of Lion Capital. Okay, Sarnath ka Ashoka Stam, that is Lion Capital of Sarnath. But when it is said that the country symbol, the what is the country symbol of India? So, but the country symbol of India is the Royal Bengal Tiger. This it is the Royal Bengal Tiger. Okay, do not confuse. That when we say the country symbol, it is the Royal Bengal Tiger. But when we say the national emblem of India, it is the Sarnath Lion Capital. So, friends, this is the first class with respect to the national symbols. That all the chapters we will take up one by one, the relevant thing. So hopefully all of you guys have enjoyed the class. These are the facts you should keep when you read your that India yearbook. So we will take up all the chapters in the subsequent class. So for the today's class, that I hope that you have enjoyed. So now you take care. We again meet with the next class. So that this is all about the today's sessions. Thanks for the watching. So you stay safe, stay healthy. We again meet with the next class. So, have a nice day.